दिखाते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में 35 देश शामिल हुए हैं। वो 35 सदस्य कौन से हैं, किन किन को आमंत्रित किया गया है, आपको तस्वीरों के जरिए ये देखिए, ग्राफिक्स पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं। रूस, भारत, चीन, इसके अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये वो देश जहां से शुरुआत होती है। इसके बाद कौन कौन से वो 35 देश शामिल हैं ये भी आपको बता देते हैं। साउथ अफ्रीका, इसके अलावा इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई, हालांकि अल्जीरिया और आर्मेनिया को पहले भी आमंत्रित किया गया था शुरुआत में, अर्जेंटीना की तरफ से मना किया गया था, फिर उसके बाद शामिल वो हो गया। इसके अलावा अजरबैजान, बहरीन और बेलारूस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और साथ ही बोलीविया भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि मलेशिया और क्यूबा भी इस समिट में शामिल बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 35 देश इसमें शामिल हुए हैं और इस वजह से इसको ऑल आइस के बराबर माना जा रहा है। इसकी जो महत्ता है इतनी ही मानी जा रही है, क्योंकि लगातार ब्रिक भी अपने आप को ऊपर पटल पर रखने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच पर बातचीत हो रही है। अब ब्रिक करेंसी को लेकर आपको बताते हैं, दोनों के बीच जब बातचीत होगी, यहाँ पर कई देश शामिल होने वाले हैं ब्रिक समिट में, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं ये बताया जा रहा है। ब्रिक करेंसी पर भी 35 देशों की बातचीत हो सकती है। ब्रिक करेंसी है क्या? ब्रिक देश नई रिजर्व करेंसी शुरू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए, यानी कि जो डोमिनेशन डॉलर का है उसके प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए इसकी बात हो रही है। इसके अलावा डॉलर के दम पर अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगाता है, चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर जारी है और रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिका की दादागिरी खत्म करना ही इसका मकसद है और जो छोटे देश है, चाहे ब्राजील की बात हो, उन्हें ऊपर लाना, उनको ग्रो कराना, आर्थिक तौर पर उनका डेवलपमेंट हो, नई करेंसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम को चुनौती दी जाएगी और ब्रिक्स देशों की आर्थिक ताकत भी बढ़ सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। इस वजह से ब्रिक्स करेंसी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में इसमें बातचीत होगी, ना सिर्फ ब्रिक करेंसी को लेकर बल्कि जिस तरीके से जंग को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग देशों के बीच, इसको भी लेकर बातचीत हो सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ब्रिक करेंसी का जो असर है वो अलग अलग क्षेत्रों पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं तेल और गैस पर इसका असर पड़ेगा, इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस पर भी इसका असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉमोडिटीज को लेकर भी इस पर असर पड़ सकता है। ब्रिक्स का असर और कहां कहां पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग को लेकर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी को लेकर भी इसका असर पड़ सकता है, ये भी माना जा रहा है। इसके अलावा ट्रेवल एंड टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ेगा, ये भी माना जा रहा है। ब्रिक्स करेंसी को लेकर लगातार बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर भी इसका असर पड़ सकता है, यानी कि कई क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि कई क्षेत्रों को लेकर इस पर बातचीत हो रही है और ब्रिक्स करेंसी का असर इन सभी क्षेत्रों पर पड़ सकता है, क्योंकि इस समिट में कई देश शामिल हैं, ईरान भी इसमें शामिल होने वाला है। लेकिन ईरान अपनी दो बातों को लेकर इस समिट में पहुंचा है, वो दो बातें कौन सी हैं और क्या उम्मीद ईरान को है, कैसे उसे मदद मिल सकती है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इसराइल इस वक्त हमास और हिजबुल्ला पर कहर बरपा रहा है। दोनों ही आतंकी संगठनों के आकाओं को इसराइल ढेर कर चुका है। ये दोनों आतंकी संगठन ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं। यही वजह है कि नसरल्ला के मरने के बाद ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ 200 मिसाइलें दागी थी। इसराइल पर हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इसराइल की सैन्य तैयारी और हुतियों के ठिकाने पर अमेरिका के B-1 बॉम्बर का अटैक ये बता रहा है कि ईरान के खिलाफ कभी भी जंग छिड़ सकती है। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति खास रणनीति के तहत ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने रूस के कजान पहुँच गए हैं। भारत
और ईरान के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत और ईरान के बीच सालों से व्यापारिक रिश्ते भी रहे हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी भारत ईरान से ट्रेड कर रहा है। वहीं भारत जंग के खिलाफ खुले मंचों से बोलता रहा है। रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए भी पीएम मोदी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं। ईरान जानता है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे दोस्तों में से एक है। ऐसे में अगर जंग को टालने में पीएम मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ब्रिक सम्मेलन में पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं, साथ ही भारत से जरूरी मदद मांग सकते हैं। ब्रिक समिट में मसूद पेजेश्कियन एक पन दो काज की रणनीति लेकर पहुंचे हैं। अगर भारत की मध्यस्थता के बाद भी जंग नहीं टली तो पेजेश्कियन रूस और चीन से हथियारों की मदद वाली रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। सूत्रों की माने तो पेजेश्कियन और पुतिन के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता संभव है, जिसमें मिडिल ईस्ट में फैल रहे तनाव पर चर्चा होगी, साथ ही इसराइल और अमेरिका को रोकने की रणनीति भी बनेगी। अमेरिका से रूस और चीन की अदावत बहुत पुरानी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन खुलकर ईरान की मदद कर सकते हैं। ऐसे में ये जंगी आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप समझने की कोशिश करिएगा, इस मंच पर 35 देश एक साथ इकट्ठे होंगे, लेकिन उन देशों में से कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके रिश्तों में खटास देखने को मिल रही है या कभी खटास रही होगी। अब आपको सबसे पहले भारत चीन के बारे में बता देते हैं। भारत और चीन के बीच सालों से तल्खी रही है, ये देखने को मिला है। हिंदू महासागर में चीन घुसपैठ कर रहा है और बेल्ट एंड रोड अगर इनिशिएटिव की बात करें तो उसको लेकर भी टकराव की वजह देखने को मिली है दोनों ही देशों के बीच में। हालांकि रूस की एंट्रेंस के बाद, रूस ने जब इनिशिएटिव लिया उसके बाद दोनों ही देशों के बीच रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए यूएई और ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान का इसराइल और अमेरिका से तनाव का रिश्ता रहा है, ये लगातार जिस तरीके से जंग में बीच में खबरें सामने आ रही हैं वो बताती हैं। यूएई की अमेरिका और इसराइल से नजदीकी है, वहीं दोनों देशों में शिया और सुन्नी की पुरानी दुश्मनी लगातार देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हुए अब आपको मिस्र और इथोपिया के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल मिस्र और इथोपिया 2011 से आमने सामने हैं। जी हां, ये इसलिए क्योंकि नदी नील पर बनने वाले रेंसा डैम पर विवाद खड़ा हुआ था और इस विवाद को लेकर दोनों ही देश आमने सामने आ गए थे और दोनों के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिली थी। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम हमारे अगले सेगमेंट की, जहां सलमान खान को लेकर लगातार बिश्नोई समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि आप माफी मांग लीजिए तो पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। उन्होंने जानबूझ के किया, उनको पता था कि बिश्नोई क्षेत्र है, यहाँ जो है शिकार नहीं करने देते। शिकार नहीं किया तो फिर वो किसने किया? अगर नहीं किया तो वो भागते क्यों फिर रहे? हाँ, माफी समाज के बीच में मांगनी पड़ेगी, हो जाएगा फैसला।